नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। जी मेन के चौथे चरण की परीक्षा आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इंजीनियरिंग के द्वारा प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एग्जाम का आयोजन आज 26 अगस्त 2021 से किया जा रहा। चौथे चरण की जेई मेन परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त और 1 से 2 सितंबर 2021 को आयोजित किए जाने की घोषणा INTA के द्वारा कर दी गई है। इसके लिए INTA ने परीक्षा के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड शनिवार 21 अगस्त को जारी कर दिया है। इन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया, वे अपने परीक्षा पोर्टल GMAIN.NTA.NEC.IN पर जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यदि उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो INTA के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 011-0475900 पर कॉल करके या ईमेल आईडी gmain@nta.ac.in पर जाकर ईमेल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में 535 ग्रेड 3 वैकेंसी के लिए करे आवेदन। ऑयल इंडिया लिमिटेड भर्ती ने ग्रेड 3 के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आवेदन के लिए लिंक 24 अगस्त से एक्टिव कर दिया है। ऑयल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2021 है। आवेदन 24 अगस्त शुरू हो चुके हैं। इन पदों के लिए बिहार, तिनसुकिया, सिवासक और असम और अरुणाचल प्रदेश के चरण जिले में भर्ती की जा रही है। इसमें कुल 535 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लंगरों ने 12वीं के पास छात्रों के लिए आमंत्रित किए। स्कॉलरशिप के आवेदन 10वीं और 12वीं न्यूनतम 75% अनिवार्य। 12वीं पास छात्रों के लंगरों स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें वर्ष इंजीनियरिंग कार्यक्रम के साथ ही प्रवेश करने वाले छात्र स्कॉलरशिप के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह मांग की जा रही है कि आवेदन करने वाले छात्रों के 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसमें सलाह आवेदकों की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए चयनित उम्मीदवारों को ट्यूशन फीस पर 60% या फिर 60,000 रुपये के प्रतिवर्ष पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2021 है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाएं www.b4s.in पर। आचार संहिता के बाद भी नहीं रुकेगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता की लागू हो जाएगी। इसका असर भी है कि अब पंचायतों के सभी प्रकाश कार्य ठप हो जाएंगे। हालांकि अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी साफ कर दिया कि राज्य में पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि तकरीबन 1.25 लाख प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मूल रूप से छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ औपचारिकता के रह जाएगी इसमें से, इसलिए बहाली की प्रक्रिया चलती रहेगी। इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थान जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होते ही शिक्षा विभाग की ओर से तमाम नियोजन इकाइयों में परामर्श समितियों का गठन किया जाएगा। इसलिए शिक्षक नियोजन के साथ ही प्रभावित नहीं हो जाएगी। देश में एक दिन में 37,000 से अधिक नए के 47% की बढ़ोतरी। भारत में कोरोना वायरस के मामले में कब फिर से तेजी देखी जाए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना 37,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए, जो बीते दिन की तुलना में करीब 12,000 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 37,553 के साथ ही सामने है। इसका मतलब एक मंगलवार की तुलना में COVID-19 के मामले करीब 47% वृद्धि हुई है। बिहार एक अंक में आए कोरोना के नए मामले, 6 जिलों में से मिले 9 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में निरंतर गिरावट होकर एक अंकों में सिमट रह गई है। बुधवार को कुल 9 लोगों के साथ संक्रमित पाए गए, जिसमें 6 जिलों में कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि 32 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया। इन जिलों में कोरोना के नए संक्रमित पाए गए एवं सर्वाधिक 3 संक्रमित पटना जिले में पाए गए। इसके अलावा रोहतास जिला में 2, दरभंगा में 4, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिला में 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में अब खुल गए धर्मस्थल। आज से अनलॉक 6 की नई गाइडलाइन लागू। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार छूट की राह देने चल गई है। इस तरह आज गुरुवार से दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क उद्यान, धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन शर्तों के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट कर उसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद आज आपदा प्रबंधक भी समूह की बैठक में किया गया है। बेस्ट ऐप से फिर शुरू होगी स्कूल की मॉनिटरिंग। शिक्षा विभाग से DEO को मिला स्टाफ। टैक्स के माध्यम से स्कूलों के समय पर खुलने की कक्षा नियमित रूप से 14 घंटे में पढ़ाई जा रही है। साथ शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग स्कूलों के निरीक्षण के साथ ही अब सफल व्यवस्था को चौक चौबंद करने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कल कोरोना वायरस के लेकर बंद हो चुके बेस्ट ऐप में स्कूलों का अनुसरण फिर से आरंभ कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेकर नेशनल स्तर पर अफसरों की मासिक निरीक्षण के साथ नियुक्ति सीमा तय कर दी है। DEO कम से कम 8 प्राथमिक परीक्षा से 3 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्कूल का शिक्षण हर माह करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दे दिया कि बुधवार और गुरुवार को निश्चित रूप से स्कूल निरीक्षण कराया जाए। राज्य अन्य कई दिवसों में भी कार्य के साथ किया जाएगा। जंदाहा बाईपास के साथ ही जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी। 2 साल में निर्माण का कार्य
हाजीपुर मुस्लिमपुर NH 103 के साथ ही विष्णु नगर बाईपास निर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई। केंद्र सरकार ने इस बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। पटना दरभंगा को जोड़ने वाले NH 103 की काफी उपभोक्ता है, जिसमें से बाईपास बनने से लेकर निर्बाध तरीके से आज हो सकेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी लेने के साथ ही मिलने पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है, जिसमें 52.86 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बाईपास के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। राशि की मंजूरी मिलते ही अब भू अर्जन का काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी से सटे बांध का कटाव शुरू, लोगों पर डर का माहौल। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी से सटे एक बांध का कटाव शुरू हो गया, से आसपास के ग्रामीण लोगों में भीड़ दहशत बढ़ गई है। आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ बूंदी गंडक उफान रही है, जिसमें से मीनापुर के साथ ही बड़ा भारती पंचायत के मधुपन काठी वार्ड 4 में नदी सटे बाढ़ का पानी भी कटाव स्थित मिट्टी के धंसना शुरू हो गई। इससे हजारों की पाबंदियां अब गलती जा रही है। बाढ़ के साथ ही कटाव के लोग डर के महल में जी रहे हैं। कई लोगों घर बांध से सटे हुए, जिसके कारण उक्त लोग डरे समय नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि बांडा भारती पंचायत के मधुबन काटी वार्ड 4 में बूढ़ी गंडक नदी से सटे कटाव स्थल पर भी पूर्व में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मरम्मती कार्य कराया, लेकिन बहुत जल्द कटाव स्थल पर मिट्टी को बोरी धंसने से मरम्मती कार्य हुए हैं। भारी गर्मी व गुणवत्ता पर भी सवाल स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उठा रहे हैं। पाइपलाइन से रसोई गैस आपूर्ति का सपना पूरा, कनेक्शन के लिए निलंबित शुरू। औरंगाबाद शहर में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने का सपना अब साकार हो चुका है, जिसके साथ ही IOCL के द्वारा बुधवार से शहर के उपभोक्ताओं के घर में कनेक्शन देने के लिए निलंबित का कार्य शुरू किया जा रहा। सांसद सुनील कुमार सिंह और जोन उप महाप्रबंधक पवन कुमार सिन्हा के साथ ही शहर के गांधीनगर मोहल्ला में भी निवासी पैक्स अधीक्षक रणविजय सिंह की पत्नी संगीता सिंह को पहला कनेक्शन देने के लिए निलंबित पत्र आवेदक के साथ ही आवास पर दिया गया है। उपमान प्रबंधक के साथ नियत दिसंबर को लेकर अगले माह यानी अक्टूबर से लेकर शहर में उपभोक्ताओं पर घरों में पाइपलाइन के रसोई गैस की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उपमा कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत शहर में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने की योजना। औरंगाबाद शहर में गैस की आपूर्ति के लिए कुर्सी के साथ गांव में सबस्टेशन बनाया जाएगा। DSLR के साथ लोकेशन के लिए GRS में शहर की सरकारी जमीन उपलब्ध हो जाए, अब जहां से गैस की आपूर्ति की जाएगी। पटना एयरपोर्ट सहित 7 NH के निजी हाथों में जाने का भड़का राजद। केंद्र सरकार ने राजस्व उगाही के लिए बिहार से गुजरने वाले 7 NH पटना एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को सौंपने के फैसले के बाद आलोचना शुरू हो गया है। अब इस बीच राजद ने कड़ा एख्तियार ले लिया है। बुधवार को तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। अस्पताल में होने वाली भर्ती पर सुनवाई चली, पटना हाईकोर्ट से बेहतर तक ESI मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर कर्मचारी समेत अन्य रिक्त पदों पर भरने व अन्य मुद्दों पर करने वाली सुनवाई को लेकर आगामी 1 सितंबर के लिए पटना टाल दिया गया है। शिवानी कौशिक व अन्य के जनहित याचिका के संबंधित मामला मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति संजय करोल न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के महाधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे। आपको बता दें कि पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने ESI मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों के द्वारा डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी समेत अन्य रिक्त पर भरने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार व अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इससे पूर्व की सुनवाई में कोविड के संबंध में तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा मांगा था। बिहार पंचायत चुनाव EVM और पोलिंग पार्टी के लिए होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग। इस बार का पंचायत चुनाव हाईटेक होगा। इसके नामांकन से लेकर मतगणना की पूरी तरह से तकनीकी इंतजाम कर लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। मतदान से लेकर प्रत्याशी तक चुनाव आयोग की भी नई वेबसाइट पर लाभ भी मिलेगा। यही मतदान कक्ष तक कितनी देर से पहुंचेगी इसकी जानकारी GPS माध्यम से मिल जाएगी। पोलिंग पार्टी की मतगणना के केंद्र पर अब कब पहुंचेगी इसकी भी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। 1 सितंबर से छपरा व सिवान के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन यात्रियों को सुविधा का ख्याल रखते हुए छपरा कचहरी थावे छपरा कचहरी के मध्य और एक जोड़ी अनारक्षित पैनिक एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का परिचालन 1 सितंबर से शुरू करने की घोषणा करी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर इस विशेष ट्रेनों का एक्सप्रेस विशेष गाड़ी के रूप में चलाया जाएगा, ताकि ट्रेन में अतिरिक्त भीड़ न हो सके, COVID-19 सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। रेल प्रशासन ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक ट्रेन नंबर 0516 छपरा कचहरी थावे अनारक्षित दैनिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी 1 सितंबर 2021 से प्रतिदिन छपरा कचहरी से 5 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी यात्रा में 0516 थावे छपरा कचहरी अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष ट्रेन 1 सितंबर 2021 से शाम 4:30 बजे थावे से प्रस्थान करेगी। 9:30 बजे छपरा कचहरी पहुंचेगी। इस बीच गाड़ी से साधारण द्वितीय श्रेणी के 8 एवं SLRT के 2 सहित कुल 7-10 कोच लगाए जाएंगे। KVC में फिर दिखेंगे बिहार के शरद विवेक सागर। बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद सागर को एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। पिछले साल शरद सागर बिहार से पहले KVC के इतिहास में सबसे युवा एक्सपर्ट के रूप में नजर आए थे। साल 2000 में वो हुई KVC भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय से चलने वाले टेलीविजन कार्यक्रम में से एक है, जिसमें 23 अगस्त को KVC के 13वें सीजन की शुरुआत हुई थी। सीजन के पहले ही सप्ताह में बिहार के शरद सागर को एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे KVC में टेलीविजन पर देश भर में आए प्रत्याशियों का एक्सपर्ट के रूप में मार्गदर्शन करेंगे और चुनौतीपूर्ण सवालों के जवाब देने में उनका सहयोग करेंगे।
बीमा कंपनियों के खिलाफ आप भी कर सकते हैं शिकायत। अब बीमा कंपनी की मनमाही नहीं चलेगी, शिकायत पर संबंधित बीमा कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित व्यक्तियों को समय पर क्लेम दिलाने के नाम पर शिकायत का एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई जा रही है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने इस मामले में लेकर पीड़ितों के शिकायत करने का आरोप लगाया है, जिसमें से संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बीमा कंपनियों के साथ ही बैठक किया है। दावे के साथ भुगतान से जुड़ी शिकायतों को लेकर सुनवाई के लिए विशेष प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। क्लेम भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया गया है। क्लेम के लिए आवश्यक कर्मियों के साथ ही कमियां निकाल कर भुगतान को रोकना और बेवजह देरी करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे में संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलजीपी की लड़ाई थाने पर पहुंची, पारस गुट के महासचिव ने लगाया आरोप। एलजीपी के थानों गुटों के साथ ही दोनों गुटों ने भी लड़ाई सांसद और अदालत के साथ ही अब थाने पहुंच चुकी है। पारस गुट के महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए थाने में तस्दीक कर दी है। पशुपति पारस के करीबी केशव ने अपनी जान माल की सुरक्षा गुहार भी लगाई। थाने में दे दी गई सारी तस्वीर में उन्होंने चिराग पासवान के साथ उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बक्सर में चला बड़ा हादसा, जवानों से भरे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार के बक्सर में बुधवार बड़ा हादसा होने के से बच गया है। राजपुर थाना के मानिकपुर गांव में तकनीकी खराबी के कारण एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसे मालवाहक के हेलीकॉप्टर पर कुछ जवान भी सवार। तकनीकी खराबी के कारण खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई पड़ी, जिस घटना के बाद ही कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर पर सवार वायुसेना के जवानों से हेलीकॉप्टर के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया, जिससे कई ग्रामीण पास नहीं थे। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी थी। पंचायत चुनाव से पहले खूनी रंजीत पूर्व मुखिया को मारी गोली। बिहार के भोजपुर में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला। पंचायत चुनाव के बिगुल बजते ही खूनी रंजीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताजा मामला है आरामोनिया नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पर बदमाशों ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम हथियारबंद अपराधियों ने बिनवा पंचायत के पूर्व मुखिया को गोली मार दी। जख्मी पूर्व मुखिया को गोली दाहिने साइड पीठ के बीचों बीच लगी है, जो अंदर से फंसी हुई है। मुखिया के साथ ही पूर्व गंभीर रूप से इन्होंने इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडल रेलफर के साथ अस्पताल से आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां जगदीशपुर प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। बिजली विभाग ने फिरगिया 4 गांव को विद्युत विच्छेद। जमुई बिजली विभाग के द्वारा बुधवार को बकाया बिजली बिल के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में चकाई विद्युत विभाग के द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए लंबे समय से बिजली बिल बकाया रहने के आरोप में 4 गांव की बिजली आपूर्ति को ठप कर दी गई थी। जिसके साथ ही विभाग के कनीय अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रकरण के साथ ही कपेडी विशनपुर सिमरिया और गंगरिया डी गांव के बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा, जिससे कंपनी के साथ ही बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया रहेगी। बार बार आग्रह के बावजूद उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं जमा किया, जिसके कारण बुधवार को कार्रवाई करते हुए इन 4 घरों में विद्युत आपूर्ति को विच्छेद कर दिया गया। उत्तर बिहार पर नम हवाओं का प्रभाव, भारी बारिश के आसार। आज भी राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम तक बारिश हो सकती है। इसके पीछे मानसून की ट्रफ लाइन है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों मानसून की ट्रफ लाइन फिजोरपुर, पानीपत, मेरठ, गोरखपुर और होते हुए उत्तर पूर्व हिमालय की तराई से गुजर रही है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से नम हवा का प्रभाव उत्तर बिहार पर पड़ रहा है। मौसमी स्थितियों के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटे के दौरान उत्तर बिहार व दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। वहीं उत्तर बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, किशनपुर, किशनगंज, कटिहार, पुलिया, सीतामढ़ी जिलों में भारी बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि थन सेल से एक्टिव होने के कारण पटना व उसके आसपास इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जिस मौसम विभाग की ओर से 28 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं आप सुबह देर तक तो नहीं सोते? अगर हाँ तो जान लीजिए साइड इफेक्ट्स। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों के सोने और जागने का चक्र इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि वे देर रात तक जागते और सुबह देर रात तक देर सुबह उठते हैं। कभी कभी ज़्यादा सोना चलता है, लेकिन कुछ लोग देर से उठने की आदत बना लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सुबह देर तक सोने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। दिन से लेकर नींद से जुड़ी आपकी यह हर गलत आदतें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी और कार्य क्षमता पर भी इनका गलत असर पड़ता है। अधिक सोने से बेचैनी, सिरदर्द, आलस शरीर में घर का आ जाता है, जो आपके काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। शुगर की बीमारी बढ़ सकती है। ज़्यादा देर सोने से सारी गतिविधियाँ कम हो जाती है, जिनके शुगर लेवल बढ़ाने का खतरा बन जाता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि 9 घंटे से ज़्यादा सोने से बॉडी में शुगर का खतरा बढ़ जाता है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन से
साथ ही इसमें दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाए। जी हाँ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन में छपे अध्ययन के मुताबिक ज़्यादा सोने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जो लोग 9 से 11 घंटे की नींद नहीं लेते हैं उनके दिल के रोग होने की संभावना 38% तक बढ़ जाती है। मोटापा बढ़ जाता है लंबे समय तक सोने से। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। कुछ लोग अपना ज़्यादातर वक्त खाकर बैठकर या फिर सोकर गुजारते हैं, जिससे आगे चलकर उनका वजन और मोटापा बढ़ने लगता है। ज़्यादा सोने से पाचन क्रिया धीमी रहती और कब्ज की शिकायत हो जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप इनसे बहुत सजेस्ट ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कोमल चौधरी, कन्हैया कुमार और बबलू नारायण चिंटिनो झा। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या अब राज्य कोरोना संक्रमण के खतरे से बाहर है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।